ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, साइक्लोमेटिलेशन, ऑक्सीडेटिव कपलिंग, माइग्रेटरी इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ एल्कीन और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ये रिएक्शंस क्या होती हैं और इन रिएक्शंस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अनदीप तलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। यूनिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। अब भाई आप क्या पढ़ोगे, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो कि भाई स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर। और इन रिएक्शंस को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिसिस, और वहां पर आपको भाई इन रिएक्शंस को बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती, तो भाई आपको यहाँ पर इनको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो इस टॉपिक को हमने भाई टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर क्या पढ़ेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन, फिर क्या पढ़ना है, साइक्लो मेटलेशन, फिर क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग, फिर क्या पढ़ेंगे, माइग्रेटरी इंसर्शन, फिर क्या होगा, इंसर्शन ऑफ एल्कीन, और लास्ट में क्या होएगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, आप ही बताओ भाई इसका नाम क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी अगर किसी प्रोसेस में, अगर किसी रिएक्शन के दौरान क्या होता हो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज एडिशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और ये कब होता है, आप ही बताओ, अगर मैं ये को एफ नेगेटिव प्लस पी एफ सिक्स, एफ नेगेटिव प्लस पी एफ फाइव, बताओ क्या बन गया मेरे पास, पी एफ सिक्स नेगेटिव। अरे बोलो भाई बताओ हमारे पास क्या बन गया, एफ नेगेटिव पी एफ माइनस, सॉरी अरे पी एफ सिक्स नेगेटिव, बताओ क्या हमारे पास, ये यहां बताओ पी एफ फाइव के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस फाइव। और यहां देखो भाई एक्स माइनस छ माइनस ए क्या है मेरे पास, प्लस फाइव, मतलब यहां पर ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो गया, पांच से क्या छह हो गया भाई, यानी यहां पर फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो पांच से छह हो गया, लेकिन भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, प्लस पांच था, और प्लस पांच ही रहा, तुम क्या बोलेंगे इसको, कि यहां पर तो सिर्फ क्या हुआ है, एडिशन, नो ऑक्सीडेशन। तो अगर सिर्फ क्या बढ़ जाए, अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तुम क्या बोलेंगे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, बोलो भाई। और अगर कोऑर्डिनेशन बढ़ जाए तुम क्या बोले क्या हुआ है, एडिशन। अगर मेटल सेंटर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तुम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, एडिशन हुआ है। और दोनों हो जाए तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। नहीं आना आपको ये, फॉर एग्जाम्पल आप एक बार ये वाला केस देखें भाई, आप एक बार ये वाला कंपाउंड देखें, ये बताओ मेरे पास क्या है, वास का कॉम्प्लेक्स आई आर सी एल सी ओ पी पी एच थ्री। अरे भाई ये स्मॉल आएगा, ओके तो दो भाई, अरे भाई लैपटॉप में क्या होता है, ऑटो करेक्ट होता है, तो C60 आपने भाई फुलरीन से क्या कर दिया, इसको बाइंड कर दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए फुलरीन का जब ये बाइंड करता है ना, पता है इसका भाई फॉर्मल चार्ज क्या होगा, टू नेगेटिव, क्या होगा, टू नेगेटिव। फुलरीन भाई क्या करेगा, दो साइड से क्या करेगा, जो फुलरीन होता है C60 वो दो साइड से क्या करता है, बाइंड करता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसका, क्या होएगा, माइनस टू। तो बताओ मेरे पास क्या बन गया भाई, पहले आप ये बताओ भाई यहां पर आई आर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दो तीन और चार, चार तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, और भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस वन, क्योंकि कार्बोनाइल और पीपीएच थ्री क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स, तो क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या इसका, प्लस वन। तुम क्या बोलेंगे कि प्लस वन में ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, चार, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस थ्री। अब ये C60 से आप बाइंड कर गया, बताओ क्या मिल गया हमको, अब बताओ भाई, अब बताओ आई आर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, दो तीन चार तो है ही है, और भाई इटा टू मोड में ही आएगा हमारे पास, और भाई सिर्फ इसकी एप्टिसिटी दोनों होती,
इसकी डेंटिसिटी क्या होती है भाई, दो होती है, ये दो साइड से करेगा बाइंड, तो क्या हमारे पास क्या बताओ भाई, छः हो गया ना भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, चार से छः, और भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या इसका माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या आया प्लस थ्री, यानी कि प्लस वन से क्या होगा प्लस थ्री, और चार से क्या हो गया छः, तो क्या बोलेंगे यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज एडिशन, तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। और मैं आपको बताऊं भाई, नेट में ये जो भाई जो मैं आपको टॉपिक आपको मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, इसके ऊपर मानो भाई शायद कोई बार जाता हो भाई जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन ना आता हो, चार नंबर क्वेश्चन में पक्का आता है इसके ऊपर ऑलमोस्ट, जो मैं आपको अब हम आपको भाई ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके ठीक है भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अच्छा भाई आप देखो भाई कि इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब आपने देखना भाई कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए इसको भाई इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है, पहले आप देखो बताओ क्या कंडीशन होएंगी इसके लिए, भाई इसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहली बात तो ये क्योंकि यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना है, isn't it? तो मेटल कहां होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्यों भाई, अगर वो ऑलरेडी क्या है प्लस पांच में, तो प्लस सात में जाना क्या बहुत मुश्किल है, आपको पता होगा, अरे भाई आयनाइज करना भी क्या होता है, आयनाइज करना भी क्या होता है, मुश्किल नहीं होता क्या, प्लस टू से प्लस थ्री क्या होता है आयनाइज करना, मुश्किल नहीं होता क्या, तो भाई अगर कोई ऑलरेडी कहां पर है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भाई वो ऑक्सीडेटेड शो नहीं कर पाएगा, isn't it? तो मेटल यहां पर क्या होना चाहिए, जीरो एक दो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो भाई जो काफी लो हो। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, यानी कि भाई मेटल सेंटर के ऑक्सीडाइज होने के बाद जो नई क्या बनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी क्या होनी चाहिए, स्टेबल। अगर मान ले भाई, अगर मैं ये बोलूं कि मान लिया आयरन की, मान ले भाई आयरन मान लिया प्लस थ्री में है, तो भाई उसको अगर आपने क्या करवा दिया ऑक्सीडाइज, तो क्या बन जाएगा प्लस फाइव। अब प्लस फाइव तो भाई क्या नहीं होती आयरन की, स्टेबल नहीं होती ना भाई, तो आयरन प्लस थ्री कहाँ नहीं जाएगा, हाँ आयरन प्लस वन में हो तो वो कहाँ पहुँच जाएगा इजीली, प्लस थ्री में, बात आपको पहले पड़ रही भाई, यानी कि ऑक्सीडाइज होने के बाद जो क्या होना चाहिए, अरे बोलो भाई, न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल, isn't it? और बताओ यहाँ पर क्या बात होती है, और भाई मतलब इसको कौन, इसको भी कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, एक भाई जिन लीग जिन में जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा, जो डी जीरो वाले हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं कर सकते, क्यों, वो डी जीरो वाले हैं भाई, उनके पास इलेक्ट्रॉन ही ना है, तो नहीं आप ऑक्सीडाइज कैसे करोगे, नहीं समझेगा, तुम क्या बोलेंगे कि डी जीरो वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या शो नहीं करते, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ओके। और एक यहां पर भी क्या कंडीशन होती है कि मेटल क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, क्यों भाई, अगर उसका ऑलरेडी क्या अच्छे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो भी वो क्यों जोड़ना चाहेगा भाई, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, चार हो पांच हो, चार हो तो बेस्ट है, क्यों भाई, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, दो बढ़ता है, तो चार हो दो, तो चार से छः होना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मैं देख लिया क्या होना चाहिए कि मेटल क्या होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ताकि उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाले जा सके, isn't it? और बताओ क्या होना चाहिए, न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेटल क्या नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर छः से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और डी जीरो कॉम्प्लेक्स क्या शो नहीं कर सकते, ऑक्सीडेटिव एडिशन, और सबसे ज्यादा कौन शो करते हैं पता आपको, डी एट और डी टेन वाले, कौन से भाई, डी एट और डी टेन वाले सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करते हैं, ओके। और यहां पर तो क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन को फास्ट करेंगे कि स्लो करेंगे, बताओ कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे भाई, वो डेंसिटी कहां भेजेंगे, मेटल के ऊपर, तो मेटल के ऊपर डेंसिटी खूब आ गई, तो मेटल को ऑक्सीडाइज करने क्या हो जाएगा, तुम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं,
ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या करते हैं, एग्रीवेट फास्ट करते हैं। अच्छा बल्क के ग्रुप्स यहाँ पर क्या करते हो, बल्क के ग्रुप्स का यहाँ पर क्या इफेक्ट आना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है एडिशन भाई, कोई भी एडिशन हो अगर क्या होंगे बल्क की ग्रुप्स ऑलरेडी क्या है, मान लिया आपको चार ग्रुप्स हैं भाई, लेकिन एक तो चार ग्रुप्स क्या हो, बोलो भाई ठीक ठाक साइज के हो चार ग्रुप्स, इजंट इट, तो भाई वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, दो ग्रुप्स इजीली आके बाइंड कर जाएंगे। लेकिन अगर चार ग्रुप्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है बल्कि, तो क्या भाई स्टेरिक्स वहाँ पर एक्टिवेट नहीं जाएगी क्या, तो रेट क्या हो जाएगी स्लो भाई, सिंपल सी बात है। कोई ये बोले भाई कि क्या बोलते हैं, मान लिया किसी गाड़ी में भाई चार इंसान बैठे हैं, ठीक है ओके, लेकिन चार के बैठे मान लिया भाई 150-150 किलो के बैठे हैं, बात आपको पहले पड़ी, अब शिवम जैसा वहाँ के वहाँ पर जाके बैठने की ट्राई करें भाई, पहले जो जीप में होता है, जीप में भाई जीप में क्या होता है, अरे जो अगर मान लिया कोई दुबले पतले हों तो उनको सीट पर कई कई वो बैठा दिया करते जीप ड्राइवर, इजंट इट, परवीन जैसे वहाँ पर दो तीन आया करते, ठीक है होता ना सब भाई ऐसा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर भाई, तो अगर मान लिया भाई किसी बस में किसी सीट पे अगर दो ही जने बैठे हैं लेकिन दो क्या हैं 150-150 किलो के भाई, तो वहाँ पर तीसरा इंसान आसानी से नहीं बैठ पाएगा, और वो दो किलो दो इंसान कैसे बैठे हो साक्षी जैसे भाई, ठीक है बात, इजंट इट, तो भाई तीसरी जो सवारी है उसको भाई आसानी से सीट मिल जाएगी, नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई। तो सिमिलर बात यहाँ पर है, अगर जितने क्या होंगे बल्क ग्रुप्स उतना ही ज़्यादा होता क्या हो भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बात आपको पहले पड़ गई। अच्छा एक बात ये होती है, अगर कोई ऑलरेडी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला भाई, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट क्या हो 16 वाला तो बेस्ट है, क्यों बोलो भाई, क्योंकि भाई दो लिगेंड्स आएंगे, अगर दोनों क्या आ गए 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनर तो क्या हो गया 18 हो गया भाई। सबसे बेस्ट क्या होता है, चार क्या हो कोऑर्डिनेशन और 16 क्या हो इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई बताओ, ताकि 16 से भाई, अरे भाई दो लिगेंड्स आ गए तो चार से क्या हो हमारे पास 6, और दो लिगेंड्स क्या हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनर भाई तो क्या हो गए 18। लेकिन अगर कोई क्या हो ऑलरेडी क्या 18 वाला, अगर कोई क्या हो भाई 18 इलेक्ट्रॉन वाला ही हो, अगर भाई जीप में ऑलरेडी सवारी बैठी है, समझे बात भाई, नहीं बात आपको पले पड़े, हाँ इसको ऐसे मानो भाई, अगर मान लिया किसी जीप में भाई सवारी बैठी है, ठीक है अब दो सवारी आ गई भाई दुबली पतली दो, ठीक है, और भाई वहाँ पर एक मोटी सवारी बैठी है, अब वो मोटी सवारी किराया तो देगा, वो किराया देगी एक सवारी का, तो जीप वाला क्या बोलेगा उसको भाई कि तू उतर ले, ऐसे ना कि भाई हालांकि ये एथिकल नहीं है ऐसे ऐसे भाई करना, ठीक है, लेकिन भाई कई जीप वाले बाकायदा सवारी को उतार दिया करते भाई कि तू उतर ले, वहाँ पर झगड़ा भी होया करता, ठीक है, अगर वो ना उतरे तो पता क्या होगा कि भाई वो जीप वाला बाकायदा सवारी को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जीप से, वहाँ पर फिर क्या हो दो सवारी क्या होगी सीट खाली होगी ना, इजंट इट, तो सिम तो भाई अगर जीप में एक जगह नहीं है, ठीक है बात, ले और दो सवारी आ गई भाई दुबली पतली सवारी, तो ड्राइवर क्या करेगा भाई उस एक भारी सवारी को निकाल के वहाँ पर दो सवारी बैठा है। तो सिमिलर बात यहाँ पर है, अगर मान लिया किसी कंपाउंड के अंदर पांच क्या कोऑर्डिनेशन के भाई कोऑर्डिनेशन क्या है पांच भाई Ma5 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है यहाँ पर 18 भाई, कोऑर्डिनेशन क्या है पांच, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है 18, तो एक और आ गया इलेक्ट्रॉन भाई, तो आपको कोऑर्डिनेशन क्या हो इसका 6 हो गया, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया 20, इजंट इट, तो बताओ क्या किया जाए, बोलो भाई, तो अगर भाई कितना अच्छा हो कि एक सवारी को यहाँ से भाई, अरे भाई दो मान लिया दो लिगेंड्स आ गए, समझे बात भाई, अगर हम एक 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड को भाई निकाल दें और दो भाई 1 इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स क्या आ जाए तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन 5 की जगह क्या हो 6 हो गया, बोलो भाई, और काउंट क्या हो वापस काउंट क्या रहेगा 18 रहेगा, तुम क्या बोलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट शो ऑक्सीडेटिव एडिशन, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन विदाउट द एक्सपल्शन और डिटैचमेंट
ऑफ ए प्रीवियसली अटैच्ड लिगेंड। यानी भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्या करता है 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रखता है, तो वो किसी ऑलरेडी अटैच्ड लिगेंड को भाई तोड़े बिना ऑक्सीडेटिव एडिशन शो नहीं कर सकता। इसका भाई एक टिपिकल एग्जांपल यहां पर ये देखो, आप देखो भाई रुदेनियम है, कोबाल्ट PME, अरे भाई कोबाल्ट MP3 नहीं भाई, अरे भाई MP3 नहीं, क्या है ये बताओ। हाँ याद है, ठीक है कोबाल्ट PME3, ठीक है तो बताओ भाई कोबाल्ट क्या था भाई और कौन थे, चार क्या हैं, नहीं रुदेनियम है, रुदेनियम क्या है, रुदेनियम चार कार्बोनाइल, रुदेनियम अरे बोलो भाई आप ही बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नीतू बताओ इसमें काउंट कितना बनता हमारा बताओ भाई, रुदेनियम का कितना आता है, रुदेनियम में कितने होते हैं भाई, कितने 8, और भाई 4 × 8 8 × 8 = 16 और 2 = 18, इसमें ऑलरेडी 18 हैं। लेकिन आपको भाई इसमें बताओ पहले रुदेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बोलो भाई, अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर और ये क्या है 5 का कोऑर्डिनेशन नंबर, इजंट इट। तो भाई आप ही बताओ लेकिन इसमें 18 क्या है इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये कहूं क्या इसमें मिथाइल आयोडाइड इस पर अटैक कर सकता है, मिथाइल आयोडाइड बताओ क्या होगा हमारे पास, नहीं क्यों भाई, अगर भाई ये सिंपली यहां पर ऐड नहीं हो पाएगा, क्यों बताओ, क्योंकि यहां पर 18 क्या है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एक सीओ निकल जाए, यानी जब भी क्या है हमारे पास ये दो क्या है एक इलेक्ट्रॉन अंदर, अगर मैं इसको मिथाइल आयोडाइड ना बोल के इसको मैं क्या बोलूं बताओ भाई, मिथाइल रेडिकल और आयोडीन रेडिकल, तो ये भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। तो बताओ भाई तो ये आएंगे दो इलेक्ट्रॉन लेके, और इन दोनों का फॉर्मल चार्ज क्या होगा -1 -1, लेकिन भाई इसके पास 18 है, अगर ये वैसे ही आ गए तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, इन्हें बताओ भाई कोऑर्डिनेशन यहां पर क्या हो जाएगा 5 से 7, और नंबर क्या हो जाएगा 18 से 20, isn't it? तो बताओ क्या किया जाए, तो क्या होगा बताइयो, यहां से एक CO निकल जाएगा क्या भाई, एक कार्बोनिल क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और बताओ क्या मिल जाएगा हमको बोलो, रुदेनियम कार्बोनिल क्या रहेगा हमारे पास 3, और PME 3, और मिथाइल ME, और भाई I, यह क्या ये बन जाएगा। अब बताओ पहले भाई यहां पर क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, बताओ भाई शुमा बताओ यहां पर, आप बताओ भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है X 0 0, लेकिन ये क्या है -1 -1, क्या होगा ये +2 भाई, -1 -1 है तो X -2 = 0 क्या आया +2, तो यहां पर क्या था 0, यहां पर क्या आ गया +2, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां पर पक्का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। अब बताओ यहां पर भाई क्या एडिशन भी हुआ क्या, बिल्कुल, कैसे कोऑर्डिनेशन क्या है यहां पर 5, वहां कितना है आपको 2 तो ना बढ़ा भाई, जरूरी थोड़ी है कि कोऑर्डिनेशन 2 बढ़े भाई, 1 बढ़ गया वो भी तो काफी है, नहीं है ना आपको, तो ये बताओ क्या हमारे पास ये ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो आपने देखा भाई अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी प्रीवियसली अटैच्ड लिगेंड को तोड़े बिना आप ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं कर सकते, आ गया ना आपको ये, अरे बोलो भाई ठीक है ओके। अब बताओ भाई हमें क्या पढ़ना है ओके, अब क्या बताओ भाई रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है अब बताओ रिडक्टिव एलिमिनेशन, इसको बता देते हैं भाई, कल क्लास लंबी होगी ठीक है ना भाई, शनिवार तक हमने सारा हो गया ना खत्म करना है सारे ओके, बता नहीं भाई अब क्या है रिडक्टिव एलिमिनेशन।
ये मैं आपको बताऊं भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस एडिशन, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन प्लस एलिमिनेशन, इजंट इट। मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन पर क्या होगा, 6 होगा तो क्या हो जाएगा 4, और प्लस 2 होगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी कोऑर्डिनेशन पर क्या होगा, यहां पर 6 से क्या हो जाएगा, वहां पर क्या था, वहां पर यूजुअली क्या होता था, 4 से 6 और भाई प्लस 2 क्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो प्लस 2, 1 है तो प्लस 3, 2 है तो प्लस 4। हालांकि जरूरी नहीं कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़े और वो भी 2 बढ़े, वो 1 बढ़े 2 बढ़े, लेकिन लेकिन बढ़ना चाहिए बस, इजंट इट। तो लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, घटेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या भाई, घटेगा। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो आप ये बताओ भाई यहां पर किस तरह की कंडीशन हमको रिक्वायर्ड है। आप पहले आप उसका एग्जांपल देखो, आप ये देखो भाई यहां बताओ क्या हमारे पास, ये भाई क्या मेरे पास एक कंपाउंड है क्या, यहां बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मेरे पास, बोलो भाई 6 ना यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके इलेक्ट्रॉन काउंट क्या, 18। इस प्लेटिनम के भाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है, 18 है, तो बताओ क्या हुआ यहां पर भाई। और इसका ये बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अरे भाई इनका तो क्या, ये तो क्या न्यूट्रल, ये क्या है पर -1 -1 -1, तो क्या इसका, इसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 नहीं क्या, कितना है +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 2 मिथाइल, बताओ क्या हो गया हमारे पास यहां पर, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हो गया, मतलब पक्की बात क्या हुआ यहां पर, रिडक्शन हुआ है भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और बताओ यहां पर, अब और भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 से क्या हो गया 4 हो गया, तो बताओ हम क्या बोलेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहां पर बताओ होता क्या है, ये मिथाइल और भाई ये मिथाइल दोनों सेस, ध्यान रखियो दोनों क्या हो, जो सेस ये आपस में जुड़ के, और मिथाइल मिथाइल क्या बन गया भाई, इथेन, ये निकल गया और क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया, इजंट इट। नहीं आपको सुन, तो आप बताओ भाई जैसे वहां पर कंडीशन थी, यहां बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास भाई, वहां भी तो हमारे पास कुछ कंडीशन थी ना, तो यहां बताओ भाई कौन सी कंडीशंस होती हैं या कौन से फैक्टर्स को फेवर करते हैं भाई। वहां पर क्या होना चाहिए था, मोलिक्यूल कोऑर्डिनेटिवली ऑक्सीडेटिव एडिशन में मोलिक्यूल क्या होना चाहिए था, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, यहां पर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, 6 तक क्या हो जाए, 4 हो जाए। वहां पर मेटल क्या होना चाहिए था, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ताकि उसको इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सके। यहां पर मेटल क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन सके और क्या बना ले भाई, +5 में हो तो बेटर है। नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, रिड्यूस करना इजी किसको होता है, जो ऑलरेडी क्या होता है, हाई प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में, इजंट इट। तो उसका जस्ट क्या उल्टा भाई, वहां पर कोऑर्डिनेशन पर तो बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन बढ़ता है, यहां पर क्या दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। वहां पर क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल भाई, यहां पर क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, ठीक है। वहां बताओ क्या होता है, वहां बल्क के ग्रुप्स क्या करते हैं, स्लो करते हैं, यहां पर क्या होंगे रिएक्टेंट में बल्क के ग्रुप्स, उससे भी क्या होगी भीड़ होगी, भीड़ होगी तो ग्रुप्स का टूट के जाना क्या हो जाएगा, ग्रुप्स चाहेंगे टूट के यहां से निकल जाए, ताकि मॉलिक्यूल को भाई थोड़ा सुखा सांस आए भाई। इतनी जबरदस्त भीड़, आप बताओ भाई एक जीप है, ठीक है भाई, क्योंकि मैं BSc में था तो भी काफ़ी बार अरे होता है तो जीपों में आया करते, ठीक है, तो एक जीप है उसमें भाई, ठीक है, उसमें आप उसको उनका बस ले तो इंसान के पैरों को काट के उसके हाथ में कंधे पर रख ले भाई, थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। तो एक जीप वहाँ मान ले भाई, हम किसी भी जीप में सवारी कर रहे हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है, या कई बार बस में आया करते ना, इतनी भीड़ आया करती भाई कि सांस भी नहीं आया करता। तो मैं भाई खैर मेरी हाइट भाई थोड़ी ठीक है, जो बेचारे तो है थोड़ी छोटी हाइट के भाई, वो तो भाई किसी के पेट में शरगड़ हो रहे हैं, समझे बात भाई, किसी काख में मुंह दे रहे हैं भाई, बुरा हाल हो रहा है उनका, क्यों बेचारे वही नहीं चलते, नहीं समझे बात भाई, ठीक है। हम एटलीस्ट भी ऊपर ऊपर से थोड़ा ऐसे ठंडे वाले लिया करते, बहुत आपको पले पड़ी, जिसकी हाइट कम होती है वो तो बेचारे बेचारा क्या भाई, उसके तो भाई हरियाणा रोड में सवारी करना क्या है, महाभारत है, तो सिंपल सी बात है। तो भाई अगर मान लिया ऐसी बस में ऐसी जीप में हम सवारी करके आए रोहतक भाई, तो एकदम से भाई हम क्या चाहेंगे उसे भाई, उससे उतर ले जल्दी से, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में भीड़ है, तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा भाई, कि रिडक्टिव एलिमिनेशन होके
एक दो लिगेंड्स यहां से निकल जाए, तो इससे क्या होती है, फास्ट होती है। समझे बात क्या? बिल्कुल भाई। वहां पर अगर क्या होता है, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए जस्ट। लेकिन जनरली क्या होता है, यहां पर दो घटता है और दो क्या होता है, वहां पर क्या जनरली क्या होता है, दो क्या बढ़ता है ऑक्सीडेशन नंबर, दो क्या बढ़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर क्या होता है, दो क्या घटता है कोऑर्डिनेशन नंबर, दो क्या घटता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बात, ओके। उसका आप क्या करो भाई, जस्ट क्या करो उसका उल्टा। अच्छा वहां पर आप बताओ भाई, वहां पर ज्यादा अच्छे सिग्मोडोनर क्या क्या करते, रेट को सपोर्ट क्या करते ना भाई, यहां पर पाई एक्सेप्टर, क्या भाई पाई एक्सेप्टर क्या करेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन को फास्ट करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो पाई एक्सेप्टर होंगे वो इलेक्ट्रॉन कैसे छीन लेंगे, मेटल से, तो मेटल को रिड्यूस करना बाहर से क्या हो जाएगा, इजी। मेटल क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान आपको ये। और मैं आपको बताऊं भाई, ठीक है बोलो भाई, अगर अरे भाई, और भाई वही बात यहां पर है कि रिड्यूस होने के बाद जो क्या बनता है, लो वैलेंसी वाला कंपाउंड, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। जैसे वहां पर क्या था भाई, वहां पर ऑक्सीडाइज होने के बाद जो क्या होती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल। सिमिलरली यहां पर क्या होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए यहां पर भाई, स्टेबल होनी चाहिए। ध्यान आपको, ओके। और बताओ भाई, अच्छा और आपको बताऊं भाई, और जो जो भाई क्या बोलते हैं रिडक्टिव, अरे भाई रिडक्टिव एलिमिनेशन की जो क्या होती है, ईज होती है, वो क्या होती है, सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड टूट के निकले है? बताओ भाई सी एच, उससे मुश्किल कौन सा होगा, सी सी, और सबसे बताओ सबसे मुश्किल कौन सा आएगा, बोलो सॉरी एच एच से और सी सी, सबसे इजीली भाई कौन सा बॉन्ड टूट के जाना चाहिए, बताओ भाई सी एच बॉन्ड। मान लिया हमारे पास भाई, अरे हमारे पास कोई ऑक्टेट कोई कंपाउंड है, यहां पर क्या मिथाइल, यहां भी क्या मिथाइल, लेकिन यहां पर क्या मान लिया एच, तो भाई ये दोनों क्या है सिस, ये दोनों भी क्या है सिस, तो यहां पर इथाइल ना निकले, क्या निकलेगा यहां से, मीथेन, क्योंकि भाई सी और एच टूट निकलेगा यहां पर। नहीं मैं तबको पहले पड़ी, क्योंकि ईजी कौन सा हो भाई, तो अरे भाई रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो ग्रुप निकलने हैं, समझ गए बात, वो कौन सा बॉन्ड बना के निकलेंगे इजी बताओ, बोलो भाई अगर मैं इनको तोड़ता हूं तो क्या बनेगा, सी सी बॉन्ड भाई, इथेन निकलेगा। मैं इसको और इसको तोड़ू तो क्या, तो बताओ क्या आएगा मेरे पास, मीथेन। नहीं आएगा आपको? और यहां बताओ क्या भाई, अगर ये भी हो तो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, सबसे ज्यादा बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी है मीथेन निकलने की, उससे कम क्या बताओ भाई, हाइड्रोजन निकलने की, और सबसे कम बताओ क्या होगी, इथेन निकलने की। सबसे ज्यादा आसानी से कौन सा फ्रेगमेंट निकलेगा टूट के, बोलो भाई मीथेन, उससे आसानी से सॉरी उससे मुश्किल भाई एच टू, ये बॉन्ड यहां से, ये बॉन्ड यहां से, और भाई सबसे मुश्किल भाई इथेन। ध्यान ना आपको पक्का पले पड़ रहे, कोई बात नहीं। अरे जो बच्चे बाहर से आते हैं ना, वो उनको भी पूछने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बात, ओके आप बताओ भाई। अच्छा ध्यान रखियो आपको, हाँ कार्बन दिखा नहीं, और भाई हमने क्या बनाया, एल्केन बना के निकाल देंगे। अगर यहां पर क्या हो, सीपी रिंग, क्या भाई, भाई अगर यहां पर क्या है, सीपी रिंग है, ठीक है, तो ये रिमूव नहीं होएगा। नहीं हो तो आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई अगर यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है, सीपी रिंग है, तो ये ऐसे रिमूव नहीं होएगा। मतलब तब क्या नहीं होगा, तो भाई तब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के नहीं निकलेगा। ध्यान आपको समझ, हाँ ये ही नहीं होगा, मतलब रेट छोड़ो भाई, मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन, अरे भाई आपको हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो क्या होता है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं भाई मीथेन की बजाय मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, सीपी रिंग, तो आप क्या मानोगे भाई, कार्बन कार्बन तो यहाँ पर क्या है, मेटल कार्बन, आप क्या होगे, कार्बन और कार्बन तोड़ के निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे ये नहीं निकलेगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो सीपी रिंग हो ना, बेशक क्या हो इटावन मोड में, तो भी आपने भाई तब आपने उस सीपी रिंग से मीथेन सॉरी मिथाइल या हाइड्रोजन तोड़ के नहीं निकालना है। नहीं आना आपको ये पक्का आ गया, तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लोमेटलेशन। इसके अंदर बताओ क्या होता है भाई, इसमें होता है, आप इसको बोल सकते हो कि एक तरह से ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या होता है, एक स्पेशल केस, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन।
फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास एक मेटल सेंटर है, ओके। अब इस मेटल से हमारे पास जुड़ा हुआ कोई भाई मान लिया पी एम ई टू एंड एक एम ई आपने एक आपने भाई एम ई एक्सपेंड कर दिया सी एच थ्री, ओके। बोलो भाई मान लिया मेटल से तो क्या जुड़ा हुआ है, अब आपको पता है पी एम ई थ्री क्या होता है भाई, वास्तव में ये कौन सा लिगेंड है, पी एम ई थ्री है ना, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, तो आपको पता क्या होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड, इजंट इट, ठीक है। तो भाई इसका मान लिया फिलहाल इसके अराउंड मान लिया भाई पांच क्या ग्रुप्स, मान लिया इसके अराउंड क्या भाई जो आप क्या मान लो चार ग्रुप्स इसके अराउंड, तो तीन तो और हैं और कहीं भाई मेटल से तीन तो और कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भाई एक क्या जुड़ा होता है भाई पी एम ई थ्री, मैंने सिर्फ इसको शो किया है। तो भाई इसके अंदर बताओ क्या होता है, बताओ तो बताओ भाई, तो साइक्लोमेटलेशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्या है मिथाइल, इसके आप एक हाइड्रोजन को ऐसे थोड़ा अलग से लिख दो भाई, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज, अब आप बताओ सेंट्रल एटम का अगर हाइड्रोजन का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से क्या हो इंटरेक्शन, से हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर भाई हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हो किससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप से, हम क्या बोलते हैं एगोइस्टिक इंटरेक्शन। तो भाई यहां पर यही क्या हो जाएंगे एक्टिवेट, ये जो मेटल होएगा ये इस हाइड्रोजन से क्या करना शुरू करेगा, तो भाई इससे इसका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, समझ गए बात, और ये इसको तोड़ दे भाई, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा यहां से टूट के तो किसके ऊपर टक्कर देगा, इसके ऊपर, और भाई लेकिन ये नहीं होगा, आप ही मानो, आप इसको ऐसे मानो कि एक तरह से ये होमोलिटिक क्या होगी यहां पर क्लीवेज, ठीक है। अगर ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए तो ये मेटल क्यों तो क्या करेगा, ये एच से क्या कर लेगा सीधे बाइंड, और इससे भाई एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो यहां बताओ क्या बन गया हमारे पास, ये साइक्लोमेटलेशन, साइक्लोमेटलेशन इजंट इट। अब आपको भाई किसमें इसको मैंने इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन का स्पेशल केस क्यों बोला, क्योंकि भाई आपको पता है पीएमई थ्री क्या था, एक न्यूट्रल लिगेंड इजंट इट, लेकिन आपने क्या किया, आपने दो एम यहां पर रख दिए और एक मिथाइल आपने क्या बोल दिया भाई सी एच टू और एच। अब अगर आपने इसकी होमोलिटिक यूज कर दी तो ये भी क्या एक हाइड्रोजन, और इसके पास भी क्या है भाई एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे बना था पता है, ये मेटल से छीन के अगर आप इसको भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आप इसको देखोगे तो बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन के पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। अगर मैं ये मान लूं, आप इमेजिन करो कि भाई मैंने जो हमारे पास क्या है तीन क्या है मिथाइल, मैंने एक मिथाइल एक्सपेंड कर दिया सी एच टू और एच, अब मैं ये बोलूं कि हमने इसकी भाई होमोलिटिक क्लीवेज कर दी, ठीक है बात, अब क्या एक इसके पास और एक इसके पास है, ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के अंदर, दो, अब इसके पास है कितने एक, तो न्यूट्रल काउंट में क्या देगा ये एक, और भाई ऑक्सीडेशन में दो, दो कैसे प्रोवाइड करता है ये एक खुद किसे छीनता है मेटल को, तो मेटल का ये ऑक्सीडेशन नंबर वन प्लस बढ़ा देगा ना भाई एक छीन के, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो एक बॉन्ड यहां से बन जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने यहां से छीन लिया ये हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। सिमिलरली इस एंड को भी क्या भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ये भी एक हो तो कहां छीन लेगा इसी मेटल से, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बोलो भाई। तो बताओ अब मेटल के साथ जहां पर सिर्फ क्या जुड़ा हुआ था एक पीएमई थ्री इजंट इट, अब क्या मेटल ने दो अलग से बॉन्ड तैयार निकल लिया, एक तो यहां पर और एक भाई यहां पर, अरे भाई एंगल ये से नहीं होंगे, मैंने जस्ट आपको इतनी बताया है इजंट इट। तो कोऑर्डिनेशन पर क्या हुआ इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसका दो इंक्रीज हो गया, और साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया भाई दो इंक्रीज, कैसे बस सिंपल सी बात है, इसके पास अरे भाई इस हाइड्रोजन रेडिकल ने क्या होगा इसने एज हाइड्राइड एक्ट करना है, तो इसने इलेक्ट्रॉन कहां से छीनना पड़ेगा मेटल से, और भाई सी एच टू एंड ने भाई जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन इसने भी कैसे एक्ट करना है बताओ, अरे भाई यहां पर जो एल्काइल एंड है जो इसको भी कैसे एक्ट करना है एज, बताओ भाई इसको भी कैसे एक्ट करना है वन नेगेटिव चार्ज की तरह भाई, तो बताओ क्या करना पड़ेगा इसको एक इसको यहां से छीनना पड़ेगा, तो मेटल क्या हो एक तरह से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेटस की बढ़ नहीं जाएगी क्या, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बताओ भाई, इसे क्या बोलते हैं साइक्लो, लेकिन इस प्रोसेस में बताओ क्या बन गया हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुई क्या, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको साइक्लो मेटलेशन। नजर आया आपको भाई, यहां पर आप देखो यहां पर ये केस आपको यहां पर नजर आएगा, देखो बोलो भाई बताओ यहां पर कौन है मान लिया मेटल,
तो यहां से बॉन्ड टूट के एक तो ये और एक ही बन जाएगा, आ गया ना आपको। अरे बोलो भाई, अब आप यहां देखो, यहां बताओ क्या होगा मेटल से। अब ये टूट के, अरे भाई ये जो कौन सा हाइड्रोजन, ये बताइए यहां से क्या होगा इसका होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक तो अटैच यहां से हो जाएगा और एक भाई यहां से, तो यहां पर कितने कितने एंड हो जाएंगे, एक दो तीन और चार। तो यहां पर चार कोण वाला क्या बन जाएगा, एक रिंग नहीं बन जाएगा क्या? तो इसको हम क्या बोलते, साइक्लो मेटलेशन। और आपने देखा भाई ये एक तरह से ऑक्सीडेटिव एडिशन का ही क्या है, एक स्पेशल केस। ओके, लेकिन कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सी भाई है, इंट्रामोलिक्यूलर। सिमिलरली भाई फिर बताओ क्या होती है भाई हमारे पास, बताओ ऑक्सीडेटिव कपलिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं भाई ऑक्सीडेटिव कपलिंग भी क्या होती है, बताओ इंट्रामोलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन ही होता भाई, याद रखियो। ऑक्सीडेटिव कपलिंग भी और साइक्लो मेटलेशन दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होते हैं, स्पेशल केस। लेकिन कौन से, इंट्रामोलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपाउंड देखो, इसमें क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा दो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा दो, लेकिन भाई उसी मॉलिक्यूल के अंदर। आप ये बताइए भाई कि यहाँ पर हमारे पास जो मेटल सेंटर है, बताओ मेटल सेंटर में क्या क्या अटैच है हमारे पास, PPH2 NME, दो सेल और दो क्या हमारे पास, बताओ एल्कीन। मान लिया हमारे पास तो क्या है, मेटल सेंटर में प्लेटिन मान लिया हमारे पास। ठीक है बात, बोलो भाई। तो इस प्लेटिन से दो तो क्या जुड़े हुए हैं, Cl। ठीक है, और ये बताओ क्या जुड़े हुए, PPH2 और PPH2, और यहाँ बताओ क्या है, NME। ओके, और यहाँ बताओ क्या अटैच्ड है हमारे पास, दो एल्कीन यूनिट। तो अभी आप मुझे बताओगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका बताओ, इसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या, इसका भी क्या है, +2। कैसे भाई, बाकी सब तो क्या न्यूट्रल, सिर्फ ये दो क्या हमारे पास, -1 फॉर्मल चार्ज वाले। तुम क्या बोलेंगे कि प्लेटिनम यहां पर क्या कहां है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भाई, इजंट इट। अब आप एक बात सोचें, अगर ये जो एल्कीन यूनिट है, अगर मैं इस पाई बॉन्ड की हम क्या कर दे भाई, होमोलिटिक क्लीवेज। इमेजिन करो भाई अगर हम इस पाई बॉन्ड की क्या कर दें, होमोलिटिक क्लीवेज, तो आप ये बताओ भाई एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक एल्कीन यहाँ है, एक एल्कीन यहाँ है। ठीक है, तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ डोनेट, पाई बॉन्ड यहाँ डोनेट, तो ठीक है ना बात। लेकिन अगर हमने पाई बॉन्ड तोड़ दिया और यहां भी आपने क्या, पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो आपने ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया और आपने भाई ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, अदरवाइज हमारे पास दो क्या थे, इंडिविजुअल एल्कीन यूनिट्स। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ो, ये पाई बॉन्ड तोड़ो, अब बताओ क्या हो जाएगा। तो यहां से यहां पर एक बॉन्ड, तो यहां से बन गया भाई, इजंट इट। लेकिन ये जो एंड और ये जो एंड है, इनके पास भाई पेयर पूरा है कि इलेक्ट्रॉन से कमी है, इनके पास भाई एक के एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है। चेक कर लो इसके पास, इसके पास क्या भाई, अभी भाई एक इलेक्ट्रॉन कमी, इसके इस एंड के पास सिर्फ क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे, अब बताओ, तो ये एंड भी क्या करेगा भाई, इसी प्लेटिनम से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा भाई, और क्या बना रहेगा बताओ भाई, 1-, और ये भी कहां से छीन लेगा, यहां से क्या बन जाएगा, 1-, नहीं आएगा आपको, और फिर इन्हीं क्या कर देगा, डोनेट। नहीं समझे बात, यानी दो एल्कीन यूनिट क्या होती है, 0-0 फॉर्मल चार्ज वाली, लेकिन अगर आपने दो एल्कीन यूनिट आपस में जोड़ दी तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मल चार्ज। बोलो अगर आपने ये बना दी स्पीशीज, अगर ये दो एल्कीन यूनिट है तो इनका फॉर्मल चार्ज है 0-0, लेकिन आपने ये बॉन्ड तोड़ के आपने ऐसे बना दिया, तो इस एंड से और इस एंड से तो क्या होगा भाई, इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, तो दोनों के पास क्या है, 7, दोनों एंड्स के पास क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 8 करने के लिए एक के एक इलेक्ट्रॉन कहां से छीनेंगे, मेटल से, इजंट इट। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1 एंड -1, और फिर ये पेयर कहां डोनेट होएगा, मेटल को, और ये पेयर भी कहां होगा, मेटल को। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं बढ़ा, बोलो भाई, तो एग्जैक्टली हम देखें तो एडिशन तो यहां पर नहीं है, लेकिन भाई क्या है यहां पर भाई, ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा भाई, बढ़ गया क्यों। अब क्या बताओ हमारे पास क्या है, -2 तो क्या है, -1 वाले हो गए, और अकेला -2 वाला क्या हो गया, ये वाला लिगेंड, इजंट इट। तुम क्या बोल, क्या हो गया यहां पर, +2 से कहां पहुंच गया, +4 के अंदर। तुम क्या बोलेंगे इसको, बोलो भाई क्या ये सिर्फ क्या है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको भी क्या बोल देते भाई, कि ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या बोल देते इसको, स्पेशल केस, इजंट इट। हालांकि यहां पर भाई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ा है, ओके, नहीं आना आपको, इसको इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव
कपलिंग बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। इलेक्ट्रॉन क्या थे इसके बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन इसके पास बताओ कितने थे भाई, बताओ 15। अब बताओ इसके पास भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने में जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स। और ये तो कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, और ये हमारे पास क्योंकि भाई दो इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गए आपस में बॉन्ड बनाने में, इजंट इट। तो हमारे पास भाई इसका इसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर था +3, अब क्या हो गया +3 कहाँ था भाई इसका, अरे सॉरी भाई, अरे मैंने भाई ये शो नहीं किया भाई, इसके ऊपर क्या है एक, सॉरी भाई मैं इसको भाई बार बार क्या बोल रहा हूँ, +2। अरे भाई इसके ऊपर एक +1 फॉर्मल चार्ज भी था ऊपर, अरे कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज था भाई, तो क्या हो गया इसका +3, कहाँ पहुँच गया +3 से +5 के अंदर, आ गया आपको ऑक्सीडेटिव कपलिंग भी, वेरी गुड। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन। अब हम क्या पढ़ते हैं भाई, माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। अब माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है भाई, देखो आप इसको ऐसे मानो भाई, ये मैं आपको बताऊँ यूजुअली कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्या हो एल्काइल ग्रुप्स और कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है बात। तो आप ये मानो, मान लिया कोई बस है, क्या कोई भाई, चलो हम मैं भाई मैं पहले एक रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। आप ये बताओ कि मान लिया हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है मैगनीज का, और यहाँ बताओ क्या है, कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल, और ये क्या है मिथाइल, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है ये MnCO5CH3 MnCO5Me, ठीक है बात। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप मुझे बताओ, और ध्यान रखियो भाई कि हमारे पास जो क्या होता है ये कार्बोनाइल, इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, 3, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, हालांकि थोड़ा ये कम वर्खा होता है लेकिन बॉन्ड तुम क्या बनाएंगे, 3 ही बनाएंगे ना बॉन्ड तो, ओके इजंट इट। तो आप ये बताओ, आप पहले बताओ ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज मैग्नीज का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मैग्नीज का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, तो क्या इसका भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है इसका, देखो एक मैग्नीज खुद कितने होते हैं, 7, और एक दिया मिथाइल ने 7 और एक 8, और 5 क्या है CO, 10 आए वहाँ से 18, यानी ये ऑलरेडी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यानी देखा जाए तो भाई इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन्स कमी है और ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर की, ये कोऑर्डिनेटिवली भी क्या है सैचुरेटेड, और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या है पूरे के पूरे। तो अगर मैं ये चाहूँ कि भाई इस पे मैं किसी CO को कार्बोनाइल को इसमें ऐड करना चाहूँ, इज इट पॉसिबल, अगर कार्बोनाइल आ गया तो भाई अगर मैं ऐसे कैसे कर क्या ले आऊँ कार्बोनाइल कार्बोनाइल, तो दिक्कत क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 7, और इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा इसका 20, जो कि सूटेबल नहीं होएगा। तो पता क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होएगा माइग्रेटरी इंसर्शन। उसमें क्या होता है आप ये बताएं कि अगर ये हो जाए, ये जो मिथाइल है क्या है, ये मिथाइल यहाँ से मूव कर जाए, मिथाइल यहाँ से भाई, यानी हमने एक CO लेके आना है, ठीक है, तो CO आने से पहले पता क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ से मूव कर जाए, या तो मिथाइल मूव कर जाए या CO यहाँ पर मूव कर जाए, तो एक को बोलते हैं माइग्रेशन, एक को बोलते हैं इंसर्शन। तो पहले हम बोलते हैं इसका नाम क्या, माइग्रेटरी इंसर्शन, क्योंकि कंफर्म्ड नहीं होता कि कौन सा स्टेप होएगा इसके अंदर, तो हम क्या बोलते हैं इसको माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है बात। तो बताओ पहले माइग्रेशन बताओ यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन बोलो भाई, माइग्रेशन बताओ यहाँ पर कैसे होगा आएगा, एक काम करो ये जो मिथाइल है आप इसको मूव करवाओ, आपको ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, सिंपल सी बात है, आप देखो कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी क्या है भैया, कार्बन की ये कार्बन क्या बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं किए हुए क्या ये, इजंट इट। तो आपको पता है कि अगर एक मिथाइल यहाँ से मूव कर भी गया तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ कौन रह गया, CO, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया भाई। इस कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ इस्तेमाल कर लिया, अभी तो क्या कर रही है, एक तरह से अगर मैं इसको भाई सिंपल लेविस डायग्राम से समझूं, तो एक तो कहाँ इस्तेमाल, 3 तो कहाँ इस्तेमाल कर रही है ऑक्सीजन साइड, और एक कहाँ इस्तेमाल कर रहा है मेटल की साइड, इजंट इट। अरे बताओ भाई, लेकिन अब मैं ये बोलूँ कि ना आप मुझे बताओ भाई कि अब ये मिथाइल यहाँ पर आ गया, तो ये एक बॉन्ड से क्या मिथाइल से बाइंड नहीं कर सकता क्या, CO CH3,
क्या ये ग्रुप नहीं होता क्या, सी ओ सी एच थ्री, इजंट इट। अब मिथाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर, और सी ओ सी एच थ्री भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पर एक तरह से भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, हमारे पास छह था, कितना रहेगा हमारे पास, पांच तो रह गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, छह से क्या हो गया, अभी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर छह है, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है 18। तो भाई किसी भी लिगेंड के यहां पर अटैच होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं एक मिथाइल को भाई माइग्रेट करा दूं कहां पर, इस कार्बन के ऊपर, तो ये मिथाइल भाई जहां मेटल से बाइंड कर रहा था, ये किससे बाइंड कर जाएगा, कार्बन से। तो कार्बन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन एक बॉन्ड यहां बना, और एक भाई किससे बना लेगा, सी एच थ्री से। तो जहां यहां पर ग्रुप क्या था, सी ओ, ये क्या बन जाएगा, तो एक तो सी ओ ग्रुप खत्म हो गया, और एक सी एच थ्री ग्रुप क्या हो गया, खत्म हो गया, और क्या बन गया नया ग्रुप, कौन सा, सी ओ एम ई। और भाई आपको साफ दिख रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ एम ई सिर्फ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनर मिथाइल की तरह, इजंट इट। तो यहां पर नेट लॉस क्या होगा हमको, एक मिथाइल गया तो क्या बन गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप खत्म हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या हो गया, नया तैयार हो गया, लेकिन कार्बोनिल तो गया भाई, तो इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है मेरे पास, यहां बताओ क्या है भाई, 16, इजंट इट, कैसे बताओ। अब ये क्या देगा, मैग्नीशियम क्या है, सात भाई, मैग्नीशियम क्या है, सेवन इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका आठ हो गए, और चार क्या है कार्बोनिल, आठ, बोलो भाई, चार चार दूनी आठ, आठ और आठ 16। यानी अब इसके पास क्या है ना, तो क्या इसका भाई ना, तो अब क्या ये कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या है, कमी है। यानी अब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है एक इनकमिंग कार्बोनाइल, अब वो कार्बोनाइल यहां के बाइंड कर जाएगा, नहीं समझे बात। यानी अगर मान लिया मैग्नीज़ में क्या है, कार्बोनाइल और एल्काइल, तब भी एक कार्ब, और सारे के सारे साइट क्या है भाई, ऑक्यूपाइड, तब भी एक कार्बोनाइल आप अटैच कर सकते हो, कैसे भाई, माइग्रेशन के जरिए, कि एक मिथाइल को माइग्रेट कर दो कार्बन के ऊपर, ठीक है। और भाई जरूरी नहीं, आपको इसको इंसर्शन क्यों बोलते हैं भाई, माइग्रेटरी इंसर्शन, उसकी वजह क्या होती है भाई, उसकी वजह ये होती है कि ये भी तो पॉसिबल था, ये भी तो पॉसिबल था कि मिथाइल यहां पर ना आके ये कार्बोनाइल कहां इंसर्ट हो जाए, मेटल मिथाइल बॉन्ड के बीच में, मतलब ये मिथाइल यहां से कहां जाए भाई, बताओ नहीं आगे आपको भाई, अरे भाई ये कहां पर आ जाए, मेटल मिथाइल बॉन्ड के बीच में। तो अगर मिथाइल आएगा, अगर मिथाइल आएगा तो क्या होगा बताओ भाई, कार्बन के ऊपर माइग्रेट हुआ है ना, अगर मिथाइल आता है तो सीओ ग्रुप के जो कार्बन है उसके ऊपर क्या होता है, माइग्रेट। लेकिन अगर सीओ क्या होता है, मूव करता है, तो वो मेटल मिथाइल बॉन्ड के बीच में इन सब क्या होगा, सी ओ सी एच थ्री, इजंट इट। तो भाई उस केस में कौन सी साइट वैकेंट हो जाएगी, ये वाली, नहीं मैं आपको पहले पड़ी, तो भाई एग्जैक्टली भाई कन्फर्म नहीं होता कि माइग्रेशन हुआ कि इंसर्शन, तो क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन, नहीं आना आपको, आसान है कि मुश्किल भैया, आप इसको भाई एक जो नहीं, एक लोकल बस एनालॉजी, अरे भाई जो आप इसको भाई किसी क्या बोलते हैं, कोई बस में मान लिया भाई, मान लिया एक बस पूरी तरह भाई पूरी तरह भरी हुई है एक बस, ठीक है, उसमें किसी, और आपको आपको पता होगा ना बस में यहाँ पर क्या होती हैं, तीन वाली सीट, और यहाँ मान लिया क्या होती है भाई, दो वाली सीट, ठीक है। तो मानो भाई जो ये सारी बस भरी है, लेकिन यहाँ पर जो ये दो वाली सीटें हैं, इस पर भाई एक लेडी बैठी है अपने बच्चे के साथ, ठीक है, जो उसका बच्चा भाई, ठीक है, उसकी हालांकि टिकट नहीं ले रही वो, लेकिन पता हो ना भाई, लेकिन सीट खाली हो तो आमतौर पर क्या होता है, उसको भी सीट मिल जाती है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, ठीक है। तो एक सीट भाई, एक लेडी और उसका बच्चा बैठा है, उसका बेटा बैठा है, ठीक है। तो आप ये मानो कि जो वो लेडी भाई, ये है वो सीट, तो ये भाई ये क्या है, खिड़की, अरे बोलो, अब खिड़की के पास तो बताओ भाई कौन बैठा है, ये लेडी कहाँ बैठी बताओ भाई, बताओ भाई, ये बैठी है खिड़की के पास, और इसका भाई इसका बेटा बताओ कहाँ बैठा है, अरे जो बीच में रो होते ना चलने वाली, वहां पर, ठीक है। तो समझ आएगा आपको भाई, अरे भाई ये तो क्या बस में आने जाने की जगह है, और यहाँ क्या, ये एक सीट, इस पर यहाँ पर बैठे हो लेडी भाई, और यहाँ उसका बेटा बैठा है, ओके। अभी मानो भाई बस में एक क्या बोलते हैं, एक बूढ़ी औरत भाई आती है, ठीक है, और वो आती क्या बोलती बताओगे ना आपको भाई, हे बेटा परे नो ले, हे बेटा बताओ ना ऐसे भाई, ठीक है, ओके। तो मान लो भाई, तो वो जो भाई वो जो बूढ़ी औरत है,
ये लेडी क्या सोचेगी भाई, ये अगर क्या करे, ये अपने बेटे को उठा के भाई गोदे में बैठा ले, तो ये सीट क्या होगी बताओ भाई, खाली होगी ना। इसे हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, तो मिथाइल यहां पर क्या, मिथाइल यहां पर क्या, मिथाइल तो यहां पर क्या बेटा, और कार्बोनिल यहां पर क्या बताओ भाई, भाई मिथाइल यहां पर क्या है, बेटा है, और कार्बोनिल तो यहां पर क्या है, मदर है। बात आपको पहले पड़ गई। तो ये इस अपने बेटे को उठा के गोदे में बैठा ले, तो ये सीट क्या होगी, खाली होगी ना, इस पे आके ऊपर आराम से जमगी। ओके ठीक है। लेकिन भाई आपको बताओ ना, एक आध बुढ़िया भाई, ठीक है, एक आध भाई बूढ़ी दादी ऐसी होती है, वो ये कहती है कि हे बेटा मेरे तो तेल चड्ढा है ना, ऐसे भाई पता होगा ना, मुझे तो खिड़की के पास बैठना है, इजंट इट। तो अब बताओ क्या हो भाई, अगर ऐसा बोले भाई कि मुझे तो खिड़की, तो वो यहां पर आके जब ये लेडी ये बोले कि आप यहां बैठ जाओ और भाई अपने बेटे को अपनी गोद में बैठाने की ट्राई करे, उससे पहले बुढ़िया क्या बोल दे कि मुझे तो कहां बैठना है, खिड़की के पास, तो ये लेडी क्या करे भाई, ये अपने बेटे को उठा के और अपने बेटे की सीट पे खुद बैठ जाए और अपने बेटे को भी फिर गोद में बैठा ले और अपनी सीट खाली कर दे। ये बात आपको पहले पड़ी, यानी अपने बेटे की सीट पे ये लेडी भाई खुद बैठ जाएगी और अपने बेटे को भाई गोद में बैठा लेगी और अपनी सीट खाली कर देगी। इसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, इंसर्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन, इजंट इट। तो भाई अगर मदर ने अपनी सीट खाली की उसे हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन, और भाई उसके बेटे ने सीट खाली तो हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। आगे ना आपको तो सिंपल सी बात यहां पर है, अगर मान लिया कार्बोनाइल क्या कर जाए, मेटल मिथाइल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाए, क्या बोलेंगे, इंसर्शन, और मिथाइल क्या कर जाए माइग्रेशन, क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो भाई ये कब होता है, जब भाई जब क्या, मैं बताऊँ मोस्टली कब होता है, और भी कह सकते हैं, लेकिन जब एल्काइल ग्रुप हो, क्या हो, एल्काइल और कार्बोनाइल क्या रखा हो, कोऑर्डिनेटिवली क्या रखा हो, मॉलिक्यूल सैचुरेटेड, ठीक है बात, उस वक्त भाई ये प्रोसेस पॉसिबल है। आ गई नहीं आपको ये, देखो अगर ये यहाँ पर चला गया तो क्या, ये बताओ, नहीं, अरे तो उल्टा बना दे भाई, ये तो क्या है, माइग्रेशन। तो क्या भाई, इसको हम क्या बोले, माइग्रेशन, अरे माइग्रेशन ही है, ठीक है ठीक है, हाँ ओके, इंसर्शन कहाँ भाई, ये ठीक है, ये बताओ क्या है इंसर्शन, ठीक है बताओ भाई। अब इसकी भाई कुछ फीचर्स होती हैं भाई, पहली बात तो ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉर्मल चार्ज में, अरे भाई फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल में कुछ एलिमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा भाई। आप ये बताओ, पहले यहां पर मेटल मैग्नीज क्या था, प्लस वन में, बाद में भी क्या रहा है बताओ भाई, अरे भाई यहां पर मूव कर भी गया तब भी क्या रहेगा, एक माइनस वन वाला पहले कौन था, मिथाइल, अब कौन क्या है, COCH3। तो भाई मेटल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, इसके कुछ फीचर्स हैं ये, ठीक है बताओ। और यूजुअली कहाँ पर होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर का होता भी है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रेफरेबल होता है। और अगर मान लिया भाई जो लिगेंड माइग्रेट करता है, अगर भाई माइग्रेटिंग लिगेंड क्या है, कायरल, तो कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, रिटेंशन, क्या रहेगा, इन्वर्जन नहीं होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो बताओ ना आपको, इन्वर्जन क्या होता है, अगर क्या हो जाए उसके अराउंड आइसोमर, अरे उसका क्या बन जाए, एनेंशियोमर, ठीक है। और जो ग्रुप क्या जाते हैं, जिन ग्रुप्स में क्या हो, माइग्रेटरी इंसर्शन, वो भी क्या होने चाहिए, सिस, एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए भाई। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, ठीक है। अगर मान लिया सिस साइट क्या ब्लॉक्ड है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी भाई। सिंपल सी बात है, अगर मान लो लेडी कहाँ बैठी है भाई, इस सीट पे, उसका बेटा बैठा है दूसरी सीट पे कहीं दूर, तब वो बूढ़ी आएगी तो उसको नहीं बोलेगी यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जा। बात आपको बोले पड़ रही है भाई, वो अगर मान लिया वो माँ बेटा बिल्कुल क्या बैठे भाई, एडजेसेंट सीट्स पे, तभी क्या होता, माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके और बताओ भाई, ठीक है ओके। ये बात और भाई, अगर जो वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट है, जब कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा या इंसल्ट होएगा भाई, तो एक साइट तो क्या होगी भाई, वैकेंट होएगी ना। अगर भाई हमारे पास हो तो क्या हो, बोलो भाई, अगर तो आप ध्यान रखो, अगर ट्रैपिंग लिगेंड है क्या भाई, तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नहीं तो मैं आपको बताऊं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या होती हैं, चलती रहती हैं। ओके अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, इंसर्शन ऑफ एल्कीन्स, इंसर्शन ऑफ एल्कीन्स। अच्छा भाई मैं आपको बताऊं, माइग्रेटरी इंसर्शन में इंसर्शन ऑफ एल्किन को बोल देते हैं कई बारी,
लेकिन ध्यान रखो भाई, इंसर्शन में लिख के होता है, अरे इसको भाई वन टू माइग्रेशन ही बोल देते हैं, क्या इंसर्शन ऑफ एल्किन को वन टू माइग्रेशन ही बोल देते हैं। तो माइग्रेटरी इंसर्शन में सिर्फ ये एल्कीन और यही ना होते, और कौन से हो सकते, बताओ भाई बताओ। इंसर्शन ऑफ एल्किन को क्या बोल देते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है माइग्रेशन भी और इंसर्शन, कैसे ये बताओ क्या होता है। किसी मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स से, क्या हमारे पास क्या कोई मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, मेटल हाइड्राइड है या मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप, मैंने भाई मैंने बाकी ग्रुप्स सिंपल स्टिकली में शो नहीं किए, तो अगर हमारे पास क्या कोई मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, इससे आपने क्या बाइंड कर दिया कोई एल्कीन, तो पता क्या होता है, इस एल्कीन को अगर आपने अटैच करवा दिया तो ये एल्कीन ऐसे ही अटैच हो नहीं रहेगा, आपको पता होना चाहिए भाई एल्कीन क्या करता है। एल्कीन अटैच टू मेटल सेंटर इज प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक अदर देन इलेक्ट्रोफिलिक, क्यों भाई, क्योंकि जैसे इस पे क्या होगा अटैच होएगा, तो यहां पर ये बॉन्ड किससे हुआ है, बोलो भाई पाई बॉन्ड डेंसिटी से, तो ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है, ठीक है बात। तो जब ये स्लाइड करे इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एम एच और ये ऐसे हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्लाइड होते होते ये एक्सट्रीम केस में पहुंच जाएगा, पर भाई एक्सट्रीम केस पे। अब आप इसका भाई फॉर्मल चार्ज निकालियो, इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, जीरो, लेकिन इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हुए, सिर्फ तीन बॉन्ड, तो चार इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग जीरो प्लस, तीन बॉन्ड बनाए हुए ना, छह बटा दो कितना है, प्लस वन, नहीं आ गया आपको। तो ये हाइड्राइड मेटल से किसके ऊपर अटैक कर देगी, इसके ऊपर, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एम सी एच टू सी एच थ्री, नहीं आ गया आपको। अरे बोलो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन इंसर्ट करवाना, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है और बताओ भाई, ओके। अब एक क्या होता भाई, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ये भाई मैं आपको बताऊं, ये भाई ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सिविल सर्विसेज के प्री में भी आया हुआ है कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन क्या होता है, इंसर्शन ऑफ एल्कीन का उल्टा, कैसे इसमें बताओ क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन क्या होता है, शुरुआत में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, बोलो भाई ट्रांजिशन मेटल्स के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह क्या थी बताओ, उसकी वजह क्या थी, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता क्या है, मेटल से आप क्या बाइंड करो बताओ, मेटल से आप बाइंड करो सी एच टू सी एच थ्री, तो इस सी एच टू को सी एच थ्री को आप थोड़ा भाई एक्सपेंड कर दो सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है बात। तो ये क्या अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन, तो ये मेटल क्या करेगा, ये इस बीटा कार्बन के ऊपर बीटा हाइड्रोजन से क्या करेगा, इंट्रैक्ट, और इसको तोड़ लेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई इसको पूरे का पूरा तोड़ लेगा ये हाइड्राइड की फॉर्म में, नहीं आएगा आपको। और ये अगर आप इसको भाई अगर आप इसको एरो घुमा के भाई बोलना चाहो तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर पहुँच जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा हमको, एम एच प्लस में क्या हो गया सी एच टू, सी एच टू यूनिट निकल गई भाई, मतलब मेटल हाइड्राइड प्लस क्या बन गया एल्कीन, समझे बात। कैटालिस्ट्स के जरिए भाई इनको एक तरह से डिक्टेट किया जाता है इनके रेट्स को, ओके। तो बताओ भाई हमारे पास क्या गया, तो एम एस सी एच टू सी एच टू, और अगर आप इसको वैसे तोड़ो, अगर आप इसको सिंपल भाई ये मॉलिक्यूल तोड़ तोड़ के बताओ तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, तोड़ दिया ना, ये बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, अब ये क्या बन गया एल्कीन, और ये क्या बन गया मेटल हाइड्राइड, नहीं आ गया आपको। और ऐसा क्यों होता भाई, क्योंकि मेटल को भाई क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको एल्काइल ग्रुप उतने ही इलेक्ट्रॉन देता जितने में गुणता है हाइड्रोजन, भाई एल्काइल और हाइड्राइड क्या करते हैं उसको न्यूट्रल काउंट में एक एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं प्रोवाइड, तो इसके भाई ये ऐसा क्यों करे भाई कि अपने अराउंड क्या करें स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करे, बड़ा ग्रुप रख के, समझ गए बात। तो क्या करता है, आप जोड़ते क्या हो एल्काइल, ये क्या करेगा ये बीटा हाइड्रोजन तोड़ के और भाई मेटल कार्बन बॉन्ड को तोड़ के अलग कर देगा उसको, नहीं आ गया आपको। तो बताओ भाई, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन क्या होता है, इंसर्शन ऑफ एल्कीन का क्या होता है उल्टा, आ गया ना। अब बताओ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करो आप कुछ इनके ऊपर,
अब भैया आप इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करो, बताओ कौन सा क्वेश्चन पहला, ये द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये भाई क्वेश्चन आया गेट में आया हुआ है 2011 में, ये मेरी बारी में आया था। ओके तो CH3MN CO5, बताओ ये कहता है अगर आप इसके साथ किसको रिएक्ट करवाते हो, लेबल्ड कार्बोनाइल, क्या भाई लेबल्ड कार्बोनाइल, तो बताओ भाई कौन सा हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट। तो हमको पता है भाई हमारे पास तो है क्या CH3MnCO5 और क्या है लेबल्ड कार्बोनाइल, तो बहुत सिंपल है, बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई हमारे पास क्या है, मिथाइल है, CO है, CO, बोलो भाई CO, CO और CO, कौन है बताना कौन है, कौन है ना भाई, तो क्या यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो भाई यहाँ पर कार्बोनाइल नहीं आ पाएगा, लेबल्ड नहीं आ पाएगा ना, पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए माइग्रेटरी इंसर्शन, मान लिया हम भाई क्या करते हैं माइग्रेशन, ठीक है, तो ये मिथाइल टूटे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया भाई, और यहाँ क्या रहेगा भाई, ये सेट क्यों खाली होगी, यहाँ कौन आ गया फिर लेबल्ड कार्बोनाइल, ये बन गया ना हमारे पास। अरे बोलो, तो यहाँ पर देखो इसने इसने नहीं जो कार्बन था इसने कई जगह लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये बोला भाई कि ये कार्बन क्या हो जाएगा कि CH3CO में क्या पहुँच जाएगा लेबल्ड कार्बन, भाई CH3CO में कैसे पहुँचेगा, स्टार्टिंग में जो मिथाइल जाएगा वो क्या है सिंपल मिथाइल, अरे भाई क्या है सिंपल कार्बन वाला मिथाइल, वही माइग्रेट और किसके ऊपर गया है सिंपल कार्बोनाइल के ऊपर, तो जो CO CH3 होगा इसमें क्या आएगा, दोनों क्या होंगे सिंपल कार्बन, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो कौन सा ऑप्शन है बताइए भाई, बताइयो बताइए भाई, CH3CO MnCO4 और लेबल्ड कार्बन भाई कार्बोनाइल आ गया ना हमारे पास ऑप्शन, ये भाई नेट गेट में दो नंबर में, गेट का दो नंबर का, नेट का 4 नंबर का होता है। ओके अब बताओ क्या हमारे पास, द ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप्स आर फेवर्ड बाय, ये भैया रखा है जून 2011 के अंदर, बताओ भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन कौन फेवर करता है और रिडक्टिव एलिमिनेशन को भी कौन फेवर करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑक्सीडाइज करना मेटल को, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा ज्यादा तभी वो क्या होगा इजीली ऑक्सीडाइज, तो कौन इसको फेवर करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर, भाई इलेक्ट्रॉन रिच को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच को ऑक्सीडाइज करना क्या होता है इजी, डेफिशिएंट को रिड्यूस करना क्या होता है इजी, तो कौन सा ऑप्शन है बताइए भाई, एक बार जयकार लगा दो इस बात का, बताओ कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन, वेरी गुड, और बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन भाई नेट में आया हुआ है दिसंबर 2012, मैंने भाई कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन और भी रखे हैं आपको भाई, लेकिन भाई कुछ तो क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज के लिए भी छोड़ दो, बात आपको पहले पढ़ रही है कि सारे क्लास में कर लेने हैं, ठीक है ओके, और बताओ भाई ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन बाय मिथाइल आयोडाइड, ये बताओ भाई मिथाइल आयोडाइड से इनमें से कौन सा ऑक्सीडेटिव एडिशन में नहीं जाएगा, बताओ भाई बोलो भाई ऑक्सीडेटिव, अरे बोलो भाई बताओ बस क्या, आप ये बताओ भाई, यहां ये बताइयो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा हमारे पास, अरे भाई ये आप देखो बाकी सब क्या है कोऑर्डिनेटिवली, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 और 2 4, ठीक है यहां बताइए क्या हमारे पास, बताओ भाई इसका क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, इसका 4 ही है, इजंट इट ओके, और ये देखो हमारे पास ईटा, ये भाई मेरे ख्याल से ईटा 1 मोड में आएगा, थिंक ये कौन सा ये वाला, चलो कोई बात नहीं भाई, ये बताओ आप इसका आप एक बारी, लेकिन ये जो वाला है ना, अरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट दूसरे में कम होगा, वैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट देखियो, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आएगा 18, और ये क्या कोऑर्डिनेटिवली क्या है ये भाई, एक तो क्या है कोऑर्डिनेटिवली क्या है ये सैचुरेटेड इजंट इट, ना 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 इसका आंसर बड़ी होना चाहिए इजंट इट, अरे भाई इसमें क्या बताओ
इसमें भैया अगर सीपी को मैं क्या मानता हूँ, अगर सीपी को मैं क्या मानता हूँ बताओ। अरे भाई तीन कोऑर्डिनेशन वाला, अरे एटा फोर में भी तो तीन और दो क्या हुआ, पांच हुआ भाई। तो यार ऑप्शन भी गलत है यहाँ पर, ये सी ऑप्शन, ये आंसर करो इसका। क्यों? अरे दो सीपी हो गए हमारे पास, इनका हम क्या माने? इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करो। छोड़ो भाई, पहले बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अरे बोलो भाई, बाकी सब में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या भाई? सैचुरेटेड नहीं हो रखा। यहां देखियो भाई, यहां पर क्या पूरी तरह कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, कैसे? दो सिपेरिंग है, दो ही सिपेरिंग क्या करते हैं, छह कोऑर्डिनेशन को बैलेंस कर सकते हैं, बताओ ना आपको भाई। और दो और भी रखें तो भाई देखा जाए तो इसका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आठ। नहीं मैं तो आपको प्ले पड़ रही है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका बोलो भाई? इसको ठीक कर रही है, ए सी नहीं आएगा इसका, क्या आएगा इसका? डी आएगा। और मैंने, अरे भाई मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में इसको डाल भी रखा मैंने इसको, समझ गए बात? नहीं आएगा आपको ये? अब बताओ भाई, भाई ये आ रखा है जून 2014 में, बताओ क्या है ये? द टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल सेंटर फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन कौन से होते हैं बताओ भाई? डी टेन डी एट बताइए भरी, डी एट डी जीरो डी एट डी एट डी टेन डी सिक्स डी एट डी फाइव डी टेन, बताओ क्या होता है? अरे भाई सी, डी एट डी टेन मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन सबसे प्रोमिनेंट कहाँ होता है? डी एट डी टेन में, आई नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।